नमस्कार प्रणाम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हो आप सब? आप लोग बैकग्राउंड से पता कर सकते हैं अभी हम कहाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पटना जंक्शन में हैं, जो कि बिहार की राजधानी माना जाता है। तो चलिए आज थोड़ा घूमने का सिलसिला में हम लोग जो है सो निकले हैं, चार पांच दोस्त हैं। तो चलिए आगे का आपको वीडियो दिखाते हैं। और एक दोस्त ये है क्या, तो पहले हम टिकट लेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे स्टेशन में। तो चलिए टिकट लेते हैं, टिकट का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये हो गया मंदिर और ये हो गया अपना पटना जंक्शन, जो कि बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो चलिए अंदर गेट से, दो नंबर गेट से जो है सो एंट्री मारते हैं। देखिए इधर लड़का लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो यार तुम? यहीं पे मुंड मार रहे हैं सेल्फी ले रहा है, ये लोग देख सकते हैं। और ये अपना देश का तिरंगा, जो कि अभी झुका हुआ है अपने शान से। और ये मंदिर हो गया, देखिए झकास सिटी है। ये हो गया अपना टिकट घर, चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। अपना प्लेटफॉर्म है, लाइन में लगो। देखिए टिकट ले चुके हैं हम लोग, अब लिफ्ट से ऊपर चढ़ेंगे। चलो 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 लिफ्ट पे चलो। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग चढ़ रहा है, ऐसे कर तो नहीं यार। और ये अपना पटना जंक्शन, शानदार जंक्शन है और बड़ा जंक्शन है, देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, जो कि वैष्णो माता का वहाँ पे भव्य मंदिर है, उन्हीं को का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ है मेरे फ्रेंड लोग, देख सकते हैं। हेलो कर दो हेलो। तो चलिए आप, ट्रेन मेरी आने वाली है, तो चलिए ट्रेन में बैठ करके आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था है हम लोग का। बने रहिएगा ब्लॉग में। बहुत तेजी से ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है। हम लोग पटना से बहुत दूर निकल चुके हैं। पटना से लगभग 300-400 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। और ट्रेन की रफ्तार आप लोग देख सकते हैं कैसा है। चलिए मिलते हैं आगे। पहुंच चुके हैं जो है तो जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर, अभी उतरे हैं ट्रेन से। तो चलिए यहाँ का आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे कटरा के लिए। तो बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये स्टेशन के बगल में होटल है, बड़ा सा होटल एल रोड है, बहुत अच्छा बड़ा होटल है। और इसके बाद ये हो गया आपका इधर दुकान वगैरह है, कपड़ा का। और ये हो गया आपका सीन, ये हो गया रेलवे स्टेशन।
जम्मू एंड कश्मीर, सेना बल तैनात है पूरा, देख सकते हैं। फाइनली अब यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे कटरा के लिए, तो चलिए ट्रेन अपना जो है सुबह चार बज के कुछ मिनट पे ट्रेन है, तो चलिए ट्रेन पकड़ते हैं, उसके बाद कटरा में पहुँचते हैं और वीडियो दिखाते हैं। चलिए टिकट कट रहा है, ऑनलाइन टिकट कट रहा है, ये देखिए हम लोग का टिकट निकल चुका है, वैष्णो देवी कटरा जम्मू से। फाइनली देख सकते हैं ट्रेन हम लोग का आ चुका है, इसी ट्रेन में बैठ करके जाएंगे कटरा माँ वैष्णो देवी। और देखिए मेरे साथ ये फ्रेंड लोग हैं, हेलो कर दो रे लड़का। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन के अंदर, देखते हैं सीट मिलता है या नहीं। तो फाइनली हम लोग कटरा माँ वैष्णो धाम पहुँच चुके हैं और इधर से आपको नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र का नज़ारा बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है, दिखाते हैं आप, देख लीजिए दोस्तों स्वर्ग धरती पर है, स्वर्ग धरती पे ही है। आप लोग कभी आ करके मौका मिले तो आप लोग घूमिए और ये सब चीज़ को देखिए, बहुत इंजॉय। हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो फाइनली हम लोग को पास कार्ड मिल चुका है दोस्तों, देख सकते हैं ये पास कार्ड है, ये नहीं रहने पर आपको माता का दर्शन नहीं करवाया जाएगा। तो सब कोई अपना अपना पास कार्ड दिखा दो भाई, पास कार्ड दिखा दो, ए दिलखुश इधर, देख सकते हैं सबको पास कार्ड जो है सो मिल चुका है। तो चलिए यही रास्ता से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, यही रास्ता से देख सकते हैं पूरा घट गया हुआ है। तो अब फाइनली हम लोग जो है सो अब चढ़ाई करने वाले हैं, तो बीच बीच में वीडियो हम डालते रहेंगे। तो चलिए जय माता दी। तो फाइनली हम लोग यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और लगभग 4 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, आप लोग को भीड़ दिखाते हैं, देख सकते हैं भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। जय माता दी, अरे जोर से बोलो, जय माता दी, क्या बोलोगे, अरे क्या बोलोगे, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, भैया बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अरे बहिना बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, अरे क्या बोलोगे, अरे क्या सुनोगे, जोर से बोलो, जय माता दी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो है सो तांडव हो रहा है, माता के लिए तांडव हो रहा है, तांडव बहुत ही इंजॉय आ रहा है। तो फाइनली चलते चलते हम लोग बाल गंगा के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों, अब यहाँ पे स्नान करेंगे और फिर यहाँ से यात्रा को प्रारंभ करेंगे, देख सकते हैं सब कोई निकल चुके हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं बाल गंगा, यही वो बाल गंगा है, नहाएंगे यार, एक दिन फोटो ले लेंगे, जाओ ना यार जाओ ना, देखिए जा रहा है लोग,
तो चलिए स्नान करके मिलते हैं आप लोग से। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, स्नान करके रेडी हैं और निकलने के लिए तैयार हैं। तो जय माता दी आप लोग को, और बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आगे आप लोग को दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है और माता से दर्शन करवाएंगे। जय माता दी कर बोलो, 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 जय माता दी और जोर से जय माता दी, माता बोले जय माता दी, माता बोले जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है 7:20 पर निकले थे और अभी 2:30 रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है, माता का मंदिर अभी तक भी नहीं आया है। देखिए कितना देर और चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कितना चढ़ाई है, बहुत दूर से आ रहे हैं दोस्तों, बहुत दूर से, लगभग 15 किलोमीटर चल चुके हैं, 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा हम लोग को। सब बैठे हुए हैं थक करके, देखिए कितना हाइट है इधर। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं का माता वैष्णो देवी का मंदिर, ये पीछे रहा ये, जी हाँ दोस्तों यहीं में विराजमान है माता वैष्णो देवी। तो फाइनली 2:30 हम लोग सफ़र को तय किए हैं, तो चलिए अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। थोड़ा यहाँ पे जो है सो यहाँ पे चेकिंग पोस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे चेकिंग होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, आपको दिखाते हैं। यही चेकिंग पोस्ट है, यहीं से जो है सो होता है, और ये माता वैष्णो देवी विराजमान है, देख सकते हैं साक्षात माता वैष्णो देवी। अब इनका दर्शन करेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास, चलिए अंदर प्रवेश करते हैं, फ्रेंड लोग भी साथ में ही हैं, देख सकते हैं सब थका हुआ है, पूरा थक चुका है सब, समझिए तो एक दिन चलने का मन नहीं करता है, लेकिन माँ का कृपा है जो हम लोग चल रहे हैं। बारिश भी हो चुका है दोस्तों, बारिश भी हो रही है, यहाँ देख सकते हैं मंदिर का ऊपर का सीन है दोस्तों, रेस्टोरेंट सब है, रेस्टोरेंट है, हाँ ये सामने सामने वाला, सामने जो देख रहे हैं ये रास्ता है, दिखाएंगे आपको बाद में। मिलकर बोलो, क्या बोलोगे, अरे क्या बोलोगे, अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, जय माता दी, 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 शेरों वाली पहाड़ों वाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है लाइफ में, आप लोग अगर नहीं आए हुए हैं तो आ करके देखिए, तो बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जय माता दी, जोर से फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नजारा लग रहा है पास से देखने पर, देखिए कितना शानदार नजारा है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लाइफ में कभी मौका मिले दोस्त तो आना जरूर, हम यही कहेंगे, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि क्या बतावें। देख लीजिए ये नजारा है, अंदर प्रवेश करते हैं।
शानदार नजारा है। ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए फाइनली दोस्तों माता का दर्शन हम लोग कर चुके हैं, अब जा रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो रात का व्यू उतना मस्त नहीं आ रहा था, अभी आप लोग को दिखाते हैं माता वैष्णो। देखिए बहुत भव्य मंदिर है दोस्तों, और इधर देखिए वहाँ पे वो जो देख रहे हैं ऊपर वाला, यहाँ पे यहाँ भैरव बाबा का स्थान है, यहाँ पे आप जाएंगे। तो चलिए ऊपर जाकर के आपको दिखाते हैं, वो लोग आगे चल चुका है। ये देखिए लोग सेल्फी ले रहा है, देखिए। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा दर्शन करके, कैसा मतलब महसूस हुआ आप लोग को बताइए? बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। बताइए ना जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। बता नहीं सकते जी अच्छा लगा। देखिए यहाँ से व्यू नजारा। जय बाबा भैरवनाथ। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा ही मतलब 10 मीटर की दूरी पे हैं बाबा भैरवनाथ। उनका दर्शन करना जरूरी होता है दोस्तों, माना जाता है माता वैष्णो का दर्शन करके अगर आप बाबा भैरव का दर्शन नहीं करते हैं तो वो आपका असफल यात्रा हो जाएगा। चलिए मेरे साथ है मेरे दोस्त लोग। जय बाबा भैरवनाथ। जय हो यहाँ से गीत चल रहा है, ये रहा अंदर का नजारा। आप लोग से बात करते हैं। भैरव बाबा की जय बाबा भैरवनाथ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरने में बहुत ही मजा आता है, मतलब इतना आनंद आता है नीचे उतरने में कि मत पूछिए। देख लीजिए लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है। देखिए हम लोग